चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां भगवान श्री राम की प्रतिमा मंदिर पहुंच गई है और क्रेन से मंदिर में प्रतिमा को पहुंचाई गई है। प्राचीन मार्ग से मंदिर लाए गए हैं रामलला और कल से मूर्ति की शैया कराई जाएगी। 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा है। 150 से 200 किलो के आसपास इस प्रतिमा का वजन बताया जाता है। रामलला की मूर्ति जो बनाई गई है, उनके विग्रह को मंदिर में रखा गया। 5 साल के बाल्य रूप में भगवान श्री राम की ये मूर्ति जो है ये स्थापित की जाएगी। श्यामल रंग है इसका और बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया गया है। 150 से 200 किलो इसका वजन है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्रेन की मदद से कैसे इस प्रतिमा को गर्भगृह तक पहुँचाया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर श्री राम की प्रतिमा मंदिर पहुंच चुकी है और बहुत ही खास पल और हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। क्रेन से मंदिर में जो प्रतिमा है उसको पहुंचाई गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस क्रेन की मदद से जो प्रतिमा है उसको मंदिर तक पहुंचाई गई है। प्राचीन मार्ग से मंदिर प्रतिमा को लाया गया है और कल से ही मूर्ति की शैया कराई जाएगी और 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा है। इसके वजन की अगर हम बात करें तो लगभग 150 से 200 किलो की रामलला की मूर्ति बताई जा रही है। इसका वजन इतना है। रामलला के विग्रह को मंदिर में रखा गया है और इससे पहले भ्रमण भी कराया गया था। 5 साल के बालक रूप में भगवान श्री राम को आप देख पाएंगे और श्यामल रंग में प्रतिमा बनाई गई है। बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब उस मूर्ति को देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम है। सिक्योरिटी कितनी टाइट है वो आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन श्रद्धालु किसी भी पल को छोड़ना नहीं चाहते और आसपास यहां पर कई ऐसे राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो पहुंचे हुए हैं, जो एक एक चीज को देख रहे हैं। फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, अंतिम रूप ले रही हैं तैयारियां 22 जनवरी के लिहाज से। इस बीच आप देख रहे हैं तस्वीर, मूर्ति को क्रेन से स्थापित करने की तैयारी। हर घड़ी श्री राम, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब अयोध्या जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और अंतिम तैयारियां हैं और अब तो अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। इसलिए अंशिका हर घड़ी श्री राम की और भक्त जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हर पल के साक्षी बनना चाहते हैं, हर उस चीज़ को देखना चाहते हैं, उसको करीब से उसको महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा इंतज़ार है और इस लंबे इंतज़ार के पूरा होने के बाद कौन नहीं चाहेगा कि वो उसका साक्षी बने। बाल कांड जो है उसमें श्री राम की जो मनमोहक वर्णन जो किया गया है, उसके रामचरितमानस के बाल कांड के मनमोहक वर्णन के अनुसार ही श्यामल रंग की मूर्ति 5 साल के रामलला की तैयार की गई। धार में छात्रा के अपहरण का मामला